भाई चांस के आज मैं लेट होगी खाने तो चलो बच्चे स्कूल आ जाएंगे तो जरा तुझे देख देना। आप भी गलत नहीं हो लेकिन हम भी गलत नहीं है। आप गलत कब तक नहीं रहेंगे? ये इस तरह आपके घर में जाता रहेगा। गलत फहमी छोड़ दोगे तो और गलत क्यों होंगे? अगर गलत फहमी रखोगे तो शायद हो सकता है कि आप भी कर ले। ये तो फिर कोई बात नहीं, तो आप मेरे मुँह में बोल रही है ना कि आप अगर गलत फहमी में रखोगे तो आप कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा जी, काफ़ी दिन हो गए थे, आप सब जानते हैं कि हमारा जो हस्बैंड वाइफ का रोला पड़ा हुआ है। इससे आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यारी दुआएँ दी और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो आज की भी औरत को कि मेरे घर में ये रोला चल रहा है, मेरी बीवी जो है ना वीडियो बना बना के यूट्यूब पर डाल रही है और मुझे बदनाम कर रही है, तो प्लीज़ आप ना कुछ करें, आप मेरी बीवी से बात करें। तो उसने कहा था कि जी मैं आपकी बीवी से बात करूँगी, ज़रूर करूँगी। तो वो फिर आज हमारे घर आई है, अभी आई है। तो मैंने कहा आपके सामने उनसे मैं बातचीत करती हूँ, जो भी बातचीत करनी है तो सारा रोला तो आपके सामने ही है, हर चीज़ तो मैं आपको दिखा रही हूँ, आपने मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। तो चले मैं आप कैमरा करती हूँ उनकी तरफ, तो उनकी उन्हीं की ज़ुबानी हम सुनते हैं कि वो क्या चाहती हैं। जी आप कैमरा नहीं करके देखें, कैमरा पर बात नहीं कर सकती, मैं आपका मुँह नहीं दिखा रही हूँ, आप सामने को देख सकती हैं वीडियो में, सिर्फ हम दोनों की टांगे आ रही हैं। ये दिखाऊँगी, ये भी बैठे हुए हैं, क्या आपने बात कर ली थी मुझसे? जी मैंने आपसे ये बात कर ली थी कि मेरा इसके साथ कोई तलब नहीं है, मेरा भैया जो है उसने मुझे तलाक दी हुई है और मैं कुकी पे काम करती हूँ खाने पकाने का, और आप अपना घर खराब कर रही हो। तो फैमिली के घर खराब करें, यही आपका मकसद है ना कहने का? और इससे मुझे कोई काम क्यों रखेंगे आप? इनको क्यों कहती है? आपके अपने कोई रिश्तेदार नहीं जिनको आप बोलें कि मेरे बच्चों का ख्याल रखें? मैं अकेली रहती हूँ इसलिए इसको अपनी हेल्प के लिए बुला लेती हूँ, लेकिन मेरा वो रिश्ता कोई गलत तरह। अच्छा ये मुझे आप बताएं, दुनिया में ये यूट्यूब फैमिली हमें देखेगी, सब देखेंगे, आप मुझे ये बात बताएं कि आप इनको अपने घर में बुलाती हैं, आप इनको कहती मेरे बच्चों का ध्यान करें, मैं काम पे गई, मेरे बच्चों को ये मसला है या वो मसला है, मेरे घर आ जाए, ये अपने घर चले जाते हैं, अपने घर का ध्यान करते, बच्चों का ध्यान करते, खुद अपनी छोटी सी बच्ची छोड़ के, हार्ट पेशेंट वाइफ छोड़ के, आपको इनके साथ गलत तलक करती। तो मोहल्ले तो आप तो देखते होंगे ना कि ये कौन है बंदा जो रोज़ आता है, इसके बच्चों का ध्यान करता है, दो दो तीन तीन घंटे चार चार घंटे आपके घर में रहता है, लोग नहीं सवाल करते आपसे? ये तो मेरी मजबूरी है ना, अकेले रहती हूँ, कोई गलत तो नहीं है? तो गलत नहीं है तो दुनिया तो गलत कर देगी ना, मैं गलत कर सकती हूँ? मैं अपने हस्बैंड के साथ आज हमारी 8 दिन हो गए हमारी लड़ाई चल रही है, मुझे नहीं पता नहीं उन्होंने आपसे क्या कहा है नहीं कहा, जो बात आप दोनों में हुई है या नहीं हुई है। कोठी पे काम करती है तो आप अपने बच्चे नहीं लाने थे ना, आप बच्चे अपने हस्बैंड के पास छोड़ देते? बच्चे उसके पास मैं नहीं छोड़ सकती, क्यों? उसने आगे शादी कर दी है इसलिए मैं बच्चे अपने पास रखना चाहती हूँ। अच्छा आप वो उससे आगे शादी कर ली, आप बच्चे अपने पास रखना चाहती है, तो उसमें मेरी क्या गलती है, मेरे क्या बिगाड़ा, आप मेरे हस्बैंड को ही क्यों बुलाती है? और भी तो लोग हैं, मदद करनी है, कोई जुर्म जरूरी तलक आदि और गलत तो होता मदद होती है, इंज भी हो सकता है, हो जा बंदा नहीं राम है, औरत नहीं मानती है चीज को। पर मैं तो वो बेचारी आई है तुम कहने वास्ते, तुम भी गल समझ हो की गया ते कहना चाह रही है, गल समझ रही है तो कह रही कि मैं मजबूर हूं, मेरा इंज है मेरा उंज है। थोड़ी कहती आ जा रोजाना, बाई चांस कि अब मैं लेट हो गई खाने तो चलो बच्चे स्कूलों आ जाएंगे तो जरा तुझे देख लेना, बस इन्ना की होंगे और भी मैं सारी गाड़ी उसे थोड़ी बह जाना जाके। लेकिन मेरी बहन इस तरह मेरे घर में आग लग गई है ना, मेरे घर में तो रोले पड़ गए ना, आप चले मैं मानती हूँ आप मजबूर है, आप परेशान है, अल्लाह ताला आपकी परेशानी है हल करे, अल्लाह पाक आपके लिए कोई आसान सा वसीला बनाए, लेकिन इस तरह आपको पता है कि मेरे हमारी तलाक तक बात चली गई है, अभी मैंने अपने भाइयों को बीच में नहीं डाला। मुझे ये बताएं मैं अपनी जगह पे गलत तो नहीं हूँ ना? मेरे तो दिल में शक बैठ के ना, आप भी गलत नहीं हो लेकिन हम भी गलत नहीं हैं। आप गलत कब तक नहीं रहेंगे? ये इस तरह आपके घर में जाता रहेगा? गलत फहमी छोड़ दोगे तो और गलत क्यों होंगे? अगर गलत फहमी रखोगे तो शायद हो सकता है कि आप भी कर ले। आप अगर गलत फहमी में रखोगे तो आप कर लेंगे, ये तो आप फिर मेरे मुंह पे सीधा बोल रहे हैं, कल नहीं सुन रहे हो कि कह रही है? जो सही कह रही है कि तू अपने दिन से सीधा काट दे, हो भी सकता है कल, मतलब मैंने ये भी तो ना धमकी मिल रही है ना, धमकी नहीं दे रही है वो बेचारी, गल कर जो तू कैमरा लाता हूं जो घबराहट डई है, कैमरे तो मैं तो मुंह थोड़ा बुखार है कैमरे से, मैं तो फिर गल करे ना, अभी मैं लूं या ना लूं बस आपकी मेहरबानी, जाओ YouTube पे मेरा चैनल है प्रिया व्लॉग, आप सर्च करो उसमें जाके देखो हमारी कहाँ तक लड़ाई गई और कितनी लड़ाई पड़ी है, तो बराए मेहरबानी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ जब आपका इसके साथ कोई तल्लकात नहीं है तो आप छोड़ दें इसको, आप इसको आज के बाद ना फोन करेंगी ना आप कभी हमारे घर आएंगे, आज आप आ गई मैंने आपकी इज्जत की क्योंकि आप फर्स्ट टाइम मेरे घर आई हैं, वरना मैं आपको देख के मेरे तन तन में ऐसे आग लगती थी, मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है ना, मेरी बर्दाश्त में नहीं आ पा रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे सब्र करना होगा और आपकी सारी बातें सुननी होगी और यूट्यूब फैमिली तक पहुँचानी होगी कि आप क्या चाहती हैं और आपके दिल में क्या है, लेकिन आपने साफ साफ कहा कि नहीं जी मेरा इनको कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बस मैं इनसे हेल्प लेती हूँ अपने बच्चों के लिए, तो
देखे मेरी भी बच्ची है, कल को अल्लाह ना करे इनको कुछ हो जाता तो मैं भी किसी की हेल्प ले सकती हूँ, उसमें कोई बुराई भी होती है, जरूरी नहीं इंसान का तो गलत अलग रहा हो, वैसे अच्छा दुआ सलाम भी हो तो इंसान एक दूसरे की हेल्प ले लेता है, एक औरत किसी मर्द से हेल्प ले रही तो वो जरूरी नहीं गलत है औरत उसके साथ। मैं इन चीज़ों को समझती हूँ, मैं बादशाहूर हूँ, मैं कोई जाहिल नहीं हूँ, तो एक हेल्प लेना और हेल्प से हट के जो आप मुझे कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे शक करेंगी तो कल को ये शादी कर भी सकती है, तो फिर ये तो फिर हेल्प ना ना हुई, फिर तो ये तो सीधी सीधी वो एक शादी से हुई जो आप रच रहे हैं। सारी जड़ी ना नेकी सारी खोज पाती हूँ, लोग मेरे बारे की सोच रहे हैं, मैं अच्छी तरह मैं अच्छी तरह नहीं इतराज करती, मैं जाहिल औरत नहीं कर, हेल्प करो, हेल्प करने से कोई बुराई, कोई कल्ली औरत रह रही है, अगर उन्हें किसी की हेल्प की जरूरत है, पता तो शरीफ आदमी तेरे तो भरोसा किया तेन को आप तेरे को हेल्प मांग लेती वो तेन बुला लेती, लेकिन मैं तो एक औरत ना, मैं तो इस चीज़ों से शक करना है ना कि रात के 2 बजे 1 बजे 12 बजे क्यों फोन करती है, गलती ना कर दी तो रोजाना लगी रहती, रात 1 बजे की तबीयत खराब हो गई थी तो साथ जाने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने औरत मर्द में तो मैं उसके बहाव पे आपको कहती हूँ की अगर आप दोनों में ऐसा कुछ नहीं ना तो आज के बाद मेरी बहन आपने कोई भी अगर इनसे बात करनी अपने बच्चों के लिए कुछ भी करना आप मुझे फोन करें और बोले इनको भेज दो, मेरा दिल मानेगा मैं इनको भेज दूँगी, नहीं दिल मानेगा मैं नहीं भेजूंगी, मैं साफ आपसे कह रही हूँ, तो मेरा घर खराब हो रहा है, मेरे घर में लड़ाई पड़ रही है, ठीक है ना, आपने नेक्स्ट टाइम जो है ना आपने नेक्स्ट टाइम इनको कॉल नहीं करनी, अगर आप इनको कॉल करती है ना तो फिर मैं सोशल मीडिया पर आपका चेहरा भी दिखाऊंगी और सबको फिर दिखाऊंगी कि आप किस करतूत की मालिक है, ठीक है। इस वक्त मैं ये चीज़ सोच लेती हूँ कि मैं भी औरत हूँ आप भी औरत है, जैसे आप मजबूर है कल को अल्लाह ना करे मैं मजबूर हो सकती हूँ, मैं भी किसी मर्द का सहारा, तो यही खत्म करती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं यकीन करती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आप दोनों ऐसा कुछ नहीं करो कि जिसमें हमारा घर खराब हो, मेरी छोटी सी बच्ची इतने सालों बाद अल्लाह ताला ने दी है, मेरा बेटा एक कमाने वाला है, क्योंकि ये तो काम भी नहीं करते हैं, ये तो बीमार रहते हैं, इसको आप संभाल रहे हैं, ये खुद से कमाते भी नहीं है, मुझे ये बताइए कमाते हो तो फिर है ना, तो बस आपकी मेहरबानी, और मैंने आपका कभी नाम नहीं लिया किसी के सामने, अभी भी मैं आपका नाम नहीं बता रही, आप इनसे मेरा नंबर ले लें, आप डायरेक्ट मुझे कॉल करें, आप इसको कॉल नहीं कर रहे। चले माई यूट्यूब फैमिली, मैं अब आपसे ज़्यादा चाहती हूँ आपके सब सच सुनने, आपके सामने मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ, कोई जाहिल औरत नहीं हूँ, बादशाहूर हूँ, सोशल मीडिया पे काम करती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि अकेली औरत को मर्द के सहारे की जरूरत पड़ जाए, खतरा ना हो, आपको पता है कि ये मर्द मेरे साथ ऐसा गलत कुछ नहीं करेगा या मेरे बच्चों के साथ गलत नहीं करेगा, तो आप उस पर यकीन रख के आप सब कुछ उससे अपनी हर दुख सुख हर चीज़ आप शेयर कर लेते हो और उसको आप अपने घर की कुछ जिम्मेदारियाँ भी लगा देते हो, भले आप दोनों में रिश्ता ना हो, इनसे जो भी बातचीत की आपके सामने क्लियर कर दिया, सब कुछ आपके सामने क्लियर आएगा, मेरा भी घर इससे बचेगा और इनके करेक्टर पर भी उंगली नहीं उठेगी, यही मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप इनको फ़ोन नहीं करेंगी, आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन करेंगी, आपको इनसे कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, आपको कुछ भी चाहिए आपने मुझे फ़ोन करना है, मैं आपकी जितना हो सकेगा उतनी आपकी हेल्प करूँगी, तो प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ के पूरी वीडियो बनाने दें और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली तक ये बातें पहुँचाना चाहती हूँ। तो अब आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि क्या आपको लगता है कि ये सही रिश्ता था इनका, या इनका आप कुछ डाउट लगता है इनके रिश्ते में, आपको लगता है कि इनमें कुछ गड़बड़ हो सकती आगे चल के, या हो सकता है कि इनमें कुछ गड़बड़ नहीं है, मेरा एक वहम था, या वो जो सहारे वाली बात है वो उसमें मैं खुश हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कोई भी औरत मजबूरी में गलत रिश्ता बनाए बिना ले सकती है सहारा, मैं इस चीज़ को समझती हूँ। तो मैं मिलूंगी इंशाल्लाह आपके साथ किसी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और मुझे लास्ट कमेंट करके बताइएगा, इस परेशानी से मैं भी निकलना चाहती हूँ और आपकी दुआओं और आपकी सपोर्ट से निकलना चाहती हूँ, और आपने मुझे पहले भी बहुत सारी दुआएं दी, इसके लिए थैंक यू सो मच आप सबका एक बार फिर। तो प्लीज़ आपने मुझे लाजमी बताना है क्या लगता है आपको इन दोनों के बारे में, ये क्या सच था या झूठ था, मेरी समझ से बाहर है, मुझे जो बताया गया वो मैंने आपके साथ शेयर कर, अल्लाह हाफिज़।